मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो कि है 2023 फुल कैप में दे सकते हो E20 की। सबसे बड़ा अपडेट इसकी प्राइसिंग में आपको। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइक व्हील में। तो दोस्तों आज हम लगाए हुए हैं टीवीएस के शोरूम और आपके सामने प्रेजेंट है द ऑल न्यू 2023 की टीवीएस की एंटॉक 125 रेसिंग एडिशन जो कि आपके सामने प्रेजेंट है ब्लू कलर में। ये जो वेरिएंट है 2023 अपडेट्स के साथ आई है। जस्ट लाइक आप इसके फ्यूल कैप में दे सकते हो E20 की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस स्कूटी में आपको BS6 फेस 2 इंजन विद OBD2 सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। ऑल अबाउट लुक्स, फीचर्स, ये सारी चीज़ें जैसी आपको देखने के लिए मिलती थी वैसी ही देखने के लिए मिलेगी। अपडेट इसके सिर्फ इंजन में हुआ है, लाइक BS6 फेस 2 इंजन हो गया है अब, और इस स्कूटी में आप E20 फ्यूल यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ा अपडेट इसकी प्राइसिंग में आपको देखने को मिलेगा जो कि पहले से इंक्रीज़ हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे इसके ऑल अबाउट फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में और प्राइसिंग के बारे में। अगर आप सोच रहे हो इस स्कूटी को परचेस करने के लिए तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, होपफुली आपके जितने भी डाउट होंगे वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो देख लो सबसे पहले लुक्स और डिज़ाइंस और कलर और ग्राफिक्स एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पर आपको कोई भी न्यू अपडेट देखने के लिए नहीं मिलता है। दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करें तो वो भी एग्जैक्टली सेम है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर देख लो की आपको दिखा देते हैं। तो इसमें आपको प्रीमियम की एक बड़ी की, लॉन्ग की देखने के लिए मिल जाती है जिसमें आपको TVS की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों अब बात कर ले इसके फ्रंट लुक के बारे में, तो फ्रंट लुक से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लगती है, एक स्पोर्टी स्कूटी वाला फील आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका वाइजर, छोटा सा स्मार्ट एक्सनेट का फीचर मिल जाता है, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। नेशनल फ्लैग का स्टिकर देख सकते हो, कलर कॉम्बो अच्छा लगता है। ये आपके इंडिकेटर्स हो गए नीचे की ओर, यहाँ पर देखोगे तो फ्रंट में आपको ग्लॉसी का फिनिश मिल जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पर देख सकते हो TVS की ब्रांडिंग है, यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट, ये ग्लॉसी का फिनिश है, और साइड में आपको मैट का फिनिश मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो एंटॉक की ब्रांडिंग हो गई और रेसिंग एडिशन लिखा हुआ, रेसिंग ग्राफिक्स। बाकी टी शेप में आपको इसके DRLs और LED हेडलाइट सेटअप मिल जाते हैं इस स्कूटी में आपको देखने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको हल्का सा ग्रे का भी फिनिश मिल जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी 125 की ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल जाती है विथ रेसिंग स्टिकर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। फुल यहाँ पर आपको ग्रे कलर का फिनिश है इसके साइड पैनियर्स पर। नीचे की ओर आपको TVS की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर वाला फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। तो लुक डिज़ाइन जैसे मैंने आपको कहा था एग्जैक्टली सेम है। नीचे की ओर देख लो इसका जो टायर है वो आपको मिल जाता है 100x80 12 इंचेस के अलॉयज मिल जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। बाकी जो डिस्क सेक्शन है 220mm का है, इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम ही मिलता है दोस्तों, ABS नहीं मिलता है। डुअल पिस्टन कैलिबर्स यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी फ्रंट में कोई भी रिफ्लेक्टर फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। आइए बात कर ले रियर के बारे में। तो रियर में सबसे पहली चीज़ स्प्लिट में दो ग्रैबरिन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक्सटर्नल फ्यूल कैप, मतलब अच्छा है। बाहर की ओर आपको फ्यूल कैप मिल जाता है, इसमें E20 की ब्रांडिंग है और टैंक कैपेसिटी 5.8 लीटर्स की है। माइलेज आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 का तो ये स्कूटी प्रोवाइड कर ही देगी दोस्तों। बाकी टेल लैम्प देख लो LED में है। बाकी रियर का भी रुक थोड़ा सा एग्रेसिव कंपनी ने रखा है। ऑल अबाउट यहाँ पर आपको ब्लैक का फिनिश मिल जाता है, TVS की ब्रांडिंग, यहाँ नंबर प्लेट लाइट, नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट, दो इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। पीछे का जो मडगार्ड है वो फाइबर में देखने मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एरोडायनेमिक लुक है यहाँ पर, यहाँ पर आपको 3D में एंटॉक की ब्रांडिंग मिल जाती है सिल्वर कलर में। बाकी रेसिंग स्टिकर्स हैं, ब्लू ब्लैक का फिनिश है और रेड कलर का आपका रेसिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। 125 भी आपको रेडी कलर में देखने के लिए मिलता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी नीचे की ओर यहाँ पर देखोगे इसका रियर टायर सेक्शन जो कि आपको मिलता है 110x80 और 12 इंचेस के ही अलॉयज हैं, और यहाँ पर आपको रियर में ड्रम मिलता है 130mm का। बाकी इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दो दोस्तों, तो पहले यहाँ पर इसका दूसरा साइड का लुक देख लो। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका फ़ैन जो कि रेड कलर में है। बाकी ये इसका एग्जॉस्ट देख सकते हो, एग्जॉस्ट प्रीमियम मिलता है आपको देखने के लिए, अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर, राइट टू लेफ्ट दो रिफ्लेक्टर भी आपको रेयर में मिल जाते हैं, तो ऑरेंज कलर के दो रिफ्लेक्टर्स हो गए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सीट कुशनिंग लॉन्ग और कंफर्ट अच्छा है इस स्कूटी का। सीट हाइट 770mm की है, तो अच्छा खासा आपका जो लेग है वो आराम से आप स्कूटी पे इसको आराम से लिफ्ट कर सकते हो। बाकी ये आपका सिंगल फीमेल फुटरेस्ट हो गए। यहाँ पर आपको साइड कट ऑफ सेंसर विद डुअल स्टंट का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है हुक जो कि फोल्डेबल है। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी ग्लव बॉक्स या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, बस एक हुक मिलता है और कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो कि है 2023, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो।
और यहाँ पर देखोगे तो आपको फुल इसका की प्लेसमेंट मिल जाएगा। हैंडल्स देख सकते हो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर आपको लो बीम वाला, कार्बन फाइबर वाला फिनिश, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाता है। इंडिकेटर, हॉर्न यहाँ पर आपको मिल जाता है, हज़ार लाइट का ऑप्शन है, सेल्फ मिल जाता है। फीचर्स सेम है गाइस, फीचर्स में कोई भी अपडेट्स नहीं है, तो उसके बारे में आपको हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले। फीचर्स एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट क्यों ही करेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख लो, जो कि फिज़िकली आपको ज़्यादा जानना इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, उसके हैंडल हो गए, ये सारी चीज़ें भी सेम हैं। जो भी अपडेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके BS6 फेज 2 इंजन पर है, और आपको OBD2 सेंसर मिल जाता है, जिसका आपको कोई काम नहीं है। जब बाइक आप सर्विसिंग कराने आओगे तब वो यूज़ होगा। बाकी इस स्कूटी में आप E20 फ्यूल यूज़ कर सकते हो बस। और जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि पहले से इंक्रीज हो गया। उससे पहले इसके डायमेंशंस के बारे में जान लो। इस स्कूटी का लेंथ आपको मिल जाता है 1861 mm का, हाइट मिल जाती है 1164 mm की, वाइडनेस मिल जाती है 710 mm की, ग्राउंड स्पेस इस स्कूटी का अच्छा मिल जाता है आपको, 155 mm का ग्राउंड स्पेस मिल जाता है। टोटल कव वेट बात कर ले इस स्कूटी के बारे में तो 118 kg का इसका टोटल कव वेट है। और मैंने आपको जैसा सीट हाइट बताया था, सीट हाइट आपको मिल जाती है 770 mm की। बाकी इसका जो अंडर सीट स्पेस है, जो कि आपको मिल जाता है स्टोरेज, वो 20 liters का मिल जाता है, तो अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। बाकी फीचर्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, क्लॉक मिल जाता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, नेविगेशन ये हो गया, फिर कॉल SMS अलर्ट मिल जाता है, ये सारी चीज़ मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको दो मोड्स मिलते हैं, पावर और इको मोड भी मिल जाता है। बाकी इसमें आपको जो इसके ऑल ओवर जो डिजिटल मीटर है, उसमें आप स्पोर्ट ये सारी चीज़ें भी, मल्टीपल मोड्स डिस्प्ले आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले भी देखने के लिए मिल जाती थी जब रेटर आई थी। प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ, तो इस स्कूटी का एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 99,047 rupees के आसपास। वहीं बात कर ले ऑन रोड प्राइस के बारे में गाइस, तो वो सिटी टू सिटी वेरी करती है। हमारे सिटी में स्कूटी का ऑन रोड प्राइस चल रहा है 1,15,000 के आसपास। आपके सिटी में जो भी स्कूटी का ऑन रोड प्राइस चल रहा होगा मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय।